गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोनिका मलिक आज आपको आटे वाला केक बनाना सिखाऊंगी। चलो हम आटे वाला केक बनाना सीखते हैं अपने किचन। चॉकलेट केक बनाने के लिए वेनिला एसेंस 3 टीस्पून, ऑयल 2.5 सर्विंग स्पून, कॉफी 2 टीस्पून, शुगर 2 कप, ये हमने ग्राइंड कर ली है, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, लेवल करके लेना है, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, कोको पाउडर डार्क, ये 50 ग्राम की होती है डिब्बी, ये फुल डिब्बी, हनी 1 सर्विंग स्पून, मैंने पतंजलि का लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, आटा 2 कप, आटे को बारीक छन्नी में छान लेना है, हॉट वाटर कॉफ़ी और ऑयल में मिक्स करने के लिए, ये हमने 4 एग ले लिए हैं, ये मैं ब्राउन एग ले रही हूँ, आप कोई भी एग यूज़ कर सकते हैं, अगर एग छोटे हैं तो हम 5 भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम 4 एग से आज केक बनाएंगे। एक केक का टिन ले लेना है, इजीली कहीं भी केक वाली शॉप पर हमें मिल जाता है। इस पे हमने ये बटर पेपर लगा लिया है, अब हम इसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। ऑयल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो केक उस पर चिपक जाएगा। ये ब्रश इजीली केक वाली शॉप पर मिल जाता है। अब हम इस केक टिन को रख देंगे। ये एक कांच का बॉयल का बाउल ले लिया है बिग साइज़ का। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके एग डालेंगे, ये हमने 4 एग इसमें डाल दिए हैं। ये बीटर है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर इजीली हमें मार्केट में मिल जाता है। अब हम इससे एग को बीट करेंगे, इसकी स्पीड हमें मीडियम रखनी है। ये एग कितने फ्लफी हो गए हैं बीट होकर। अब हम कॉफ़ी में गर्म पानी ऐड करेंगे, इसमें अराउंड 2 स्पून हमने गर्म पानी डालकर उसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। ये हमने पूरी तरह से इसको मिक्स करके, ये देखिए पूरा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। ये 2.5 सर्विंग स्पून हमने ऑयल लिया था, उसमें भी हम हॉट वाटर डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है क्योंकि वो प्रॉपर फिर मिक्स नहीं होगा। हॉट वाटर डाल के हम इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सर्विंग स्पून लिया है 2.5 ऑयल का। अब हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, हाफ डालना है, एकदम से सारा ऑयल इसमें नहीं डालना। फिर हम इसको बीट करेंगे। जो बाकी बचा ऑयल है वो भी हम इसमें डाल देंगे।
ये हमने सारा ऑयल इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैं जो भी केक बनाती हूँ उसमें बहुत कम से कम ऑयल यूज़ करती हूँ। ये हमने शुगर को ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। ये वाला कप हमने लिया है मेजर करके। ये चाय वाला कप है, आप कोई भी कप ले सकते हैं छोटा साइज़ का। अब हमने थोड़ी सी शुगर इसमें डाल दी है और उसको मिक्स करेंगे। एकदम से सारी शुगर नहीं डालनी, जो बची है शुगर वो भी डाल देंगे और इसको मीडियम में मिक्स करेंगे। जो दूसरा कप है वो भी डाल देंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे बीटर की हेल्प से। बाकी बची शुगर भी हमने इसमें डाल दिए। अब दोनों कप जो शुगर के हैं इसमें हमने ऐड कर लिए हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने हनी लिया है, ये पतंजलि का मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून हनी का इसमें हम डाल देंगे। आप कोई भी कंपनी का हनी यूज़ कर सकते हैं। एक छलनी लेंगे, उसमें 2 कप गेहूं का आटा हम डालेंगे। गेहूं को आटे को पहले बारीक छलनी में से छान लेना है, उसके बाद ये मोटे वाली छलनी में छानना है। ये हमने गेहूं के आटे को छान लिया है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, बेकिंग पाउडर डाल देंगे, उसको भी हम छान लेंगे। ये हमने स्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के लिए यूज़ किया है। इसको हम लेवल करके लेंगे। ये हमने किसी भी फ्लैट चीज़ से इसको लेवल कर लेना है या फिंगर से ही लेवल कर लेना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बहुत ध्यान से डालना है, जितना बताया गया है उतना ही डालना है। अगर ज़्यादा डल गया तो केक फट जाएगा, प्रॉपर नहीं बनेगा, एक बार फूलेगा और फिर बैठ जाएगा। इसलिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का ध्यान रखना है। उसके बाद कट एंड फोल्ड की हेल्प से हमें मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। ये कोको पाउडर है डार्क वाला, ये पूरी डिब्बी इसमें डालनी है। इसमें अराउंड 6 स्पून के आसपास आता है, 50 ग्राम होता है इसमें टोटल कोको पाउडर। ये जो कॉफ़ी हमने मिक्स करके रखी थी हॉट वाटर में वो भी डाल देनी है इसमें। वेनिला एसेंस 3 टीस्पून, जो एग खाता है वो 2 भी डाल सकता है, मैं यहाँ 3 ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको कट एंड फोल्ड की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। ये ऐसे करके बीच में से ऐसे करते हैं, इस मेथड को कट एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है जब हम इसको मिक्स करेंगे। ये छोटे छोटे टिप्स हमें ध्यान में रखना है। अगर हम इन टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो हमारा केक जो है बिल्कुल ही स्पॉन्जी और उसका जो टेक्सचर है बिल्कुल बढ़िया बनेगा। ये सारे जो टिप्स मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करना है, फिर देखना आपका केक बिल्कुल स्पॉन्जी और परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, इससे गाढ़ा हमें नहीं करना है और इससे पतला भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें 1 स्पून हॉट वाटर ऐड कर दीजिए।
अगर पतला हो तो थोड़ा मैदा या फिर कोको पाउडर ऐड कर दीजिए। अब हम इसको 30 सेकंड के लिए बीटर की हेल्प से थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि ये प्रॉपर मिक्स हो जाए, कोई इसमें लम्स ना हो। हमें इसको ओवर बीट नहीं करना है। अगर हमने इसको ओवर बीट कर दिया तो केक एक बार तो फूलेगा फिर बैठ जाएगा। ये देखिए इसका टेक्सचर जो है बैटर का बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमने केक जो ग्रीस करके रखा था उसमें हम इस बैटर को पोर कर देंगे। ये हमने इसमें सारा बैटर डाल लेना है और हमारा जो ओवन है 180 डिग्री पर प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसको 3 बार टैप टैप करेंगे ताकि जो इसमें एयर बबल बन जाते हैं वो ना रहें। अब हम इसको बेक करने के लिए कन्वेंशन पर लगाएंगे। ये हमारा माइक्रोवेव है, मेरा ये एलजी कंपनी का है। इसमें हम ये छोटे वाला रैक रखेंगे। ये माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है 180 डिग्री पर। अब हम इस पे ये केक का टिन रख देंगे। ये गर्म है, थोड़ा सा केयरफुली करना है हमें। इसको बंद करेंगे और कन्वेंशन पर लगाएंगे 180 डिग्री पर 45 मिनट के लिए। हम इसको सेट कर देंगे और इस केक को बेक होने देंगे। हर एक ओवन का अलग अलग टेम्परेचर होता है, कई बार 5 मिनट ज़्यादा भी लग जाते हैं। ये हमारा 45 मिनट में बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए यमी और स्पॉन्जी लग रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे, कोई भी चाकू या तीखी चीज़ लेकर उसको बीच में डालकर चेक कर लेना है, नीचे तक डालना है। अगर वो बिल्कुल कुछ ना उस पर टच हो, बिल्कुल क्लीन निकल आए तो वो बन चुका है। अगर कुछ लग के आता है तो मतलब 5 मिनट उसको और बेक कर दीजिए। अब हम इस केक को ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए कितना डार्क कलर आया है, यमी। ये देखिए आटे वाला केक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये कितना टेस्टी बना है। आप इसको घर पे ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।